कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश और बजरंग अब कुश्ती के अखाड़े से राजनीति के अखाड़े में दिखाई देंगे। दोनों खिलाड़ी हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी में शामिल होने से पहले दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे थे। इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया था। खड़गे के आवास पर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश और बजरंग अब कुश्ती के अखाड़े से राजनीति के अखाड़े में दिखाई देंगे। दोनों खिलाड़ी हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनेश और बजरंग से मुलाकात करने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे प्रतिभाशाली चैंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात। हमें आप दोनों पर गर्व है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों कांग्रेस हेडक्वार्टर में ही आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। बता दें कि पिछले काफी समय से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कुश्ती के दोनों धाकड़ पहलवान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले दोनों ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। विनेश ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि रेलवे की सेवा जीवन का सबसे यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौंप दिया है। राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिए गए इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी। सियासी गलियारों में चल रहे कयास के मुताबिक विनेश फोगाट को दादरी से टिकट दिया जा सकता है। वहीं बजरंग पूनिया बादली से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस सीट की जगह उन्हें किसी जाट बहुल सीट से उतारने का प्लान कर रही है। विनेश फोगाट का संभावित राजनीतिक प्रवेश हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उनके खाप पंचायतों और किसानों के साथ मजबूत रिश्ते उन्हें चुनाव में बड़ा समर्थन दिला सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की भूमिका हरियाणा की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होगा, वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। बता दें कि इससे पहले यह तारीख 1 और 4 अक्टूबर थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें बदलाव कर दिया। आयोग ने इसके पीछे की वजह बताते हुए सफाई दी कि बिश्नोई समुदाय के मताधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए यह फैसला लिया गया है। बिश्नोई समाज ने आसोज अमावस्या उत्सव में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को कायम रखा है। ये उस दिन अपने गुरु जम्बेश्वर की स्मृति में उत्सव मनाते हैं। राजस्थान की नोखा तहसील में पिछले करीब 490 साल से तो यह मेला लगातार आयोजित होता रहा है। चैट जीपीटी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के